वाज सो डाउन टू अर्थ, बिल्कुल लखरा नहीं था, सुपरस्टार, हॉलीवुड में काम किया है, इतनी मूवीज की, दुनिया फैन थी उनकी, लेकिन जब वो सेट पे आते थे कभी कभी ऐसा ऐसा फील ही नहीं हुआ। एक होता है ना वो जब कोई स्टार आता है तो टेंट्रम थ्रो कराना, कुछ बनना या बताना कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ, नो वे, एक सेकंड के लिए मुझे नहीं लगा कि मैं किसी बहुत बड़े स्टार के साथ काम करी, जो कि वो थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन क्या कमाल के इंसान थे वो, बहुत सीखा मैंने उनसे। कभी नहीं उन्होंने मुझे सीन के दौरान कहा कि नहीं आप ठीक नहीं करें या इसको इस तरह कर लें, होता है ना आपके सीनियर्स बताते हैं, मैं पूछा करती थी मुझे बताए ना मैंने कुछ गलत किया या मैं इसको यूं करूं, नहीं, नेवर, अरे कमाल कर रही हैं आप। क्या कभी हमने सीन डिस्कस नहीं किया था बैठ के, जैसे नॉर्मली इस बात का मुझे हमेशा गिला रहा उनसे कि इरफान साहब जो है ना वो रिहर्स नहीं करते सीन। सो इट वाज लाइक कि मैं बिलीव करता हूँ स्पर ऑफ द मोमेंट में, जो उस मोमेंट में होता है सबा ऑन द स्पॉट जो मैजिक क्रिएट होता है, मैं उस पर बिलीव करता हूँ। स्पॉन्टेनियस हूँ बहुत ज्यादा, जो जो उधर होगा हम वही देखेंगे कि क्या आता है। मैंने कहा तो मुझे कैसे पता चलेगा एक एक्टर का जो ग्राफ होता है ना कि आपने कैसे लाइन डिलीवर करनी है, मैं उसको कैसे कि मैं किस टेम्पो पे होगी, तो वो हमने एक वी डिडंट रिहर्स अ सिंगल सीन, पूरी फिल्म हमने ऐसे की है, सेट पे जाके सीन कर लेना और पहली दूसरी टेक पे सीन डन। अच्छा ऐसे तो मैंने कभी काम नहीं किया था। But isn't that amazing? It is. It was, yeah. It was an amazing experience. I've learned a lot from him. बहुत सीखा मैंने उससे, बहुत सीखा, इतनी चीजें सीखी हैं, छोटी छोटी चीजें। और अब पता है एक एक चीज उन्होंने निकाल दी मेरे अंदर से, डर। हाँ। वहां काम करने के बाद, उनके साथ काम करने के बाद, अब मुझे कि आप महफिल में कहीं मैदान में छोड़ा हो 100 बंदों में, तो मुझे लगता है कि मैं सबका सामना कर लूंगी। जैसे पहले एक डर रहता था ना कि पता नहीं मैं इस एंगल से अच्छी आ रही हूँ, हम बहुत कॉन्शियस होते हैं एक्टर, कभी कभी मेकअप में चले जाते हैं, एंगल्स में पड़ जाते हैं, आवाज में पड़ जाते हैं, डिलीवरी में पड़ जाते हैं। सो वो जो छोटे छोटे फियर्स थे ना, वो बींग एन एक्टर, वो निकाल दिए उन्होंने कि इन चीजों में नहीं पढ़ना, जो आ रहा है बस जाने दो। और सोच के कभी एक्टिंग नहीं होती, दैट इज ट्रू। मैंने जब भी सोच के किया है ना कि अच्छा यहाँ मैं खड़ी हूँ, इस लाइन में मैं बैठूंगी, इस लाइन में मैं चलूंगी, इस लाइन में मैं ये करूंगी, डिजास्टर, बहुत बकवास सीन रहा है वो हमेशा जिंदगी में। तो इवन लाइफ भी ऐसी है, स्पॉन्टेनियस। नो नो, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम ओवरवेल्म्ड। लोगों ने इतना प्यार दिया, उधर इंडिया से भी बहुत प्यार मिला, वर्ल्ड ओवर लोगों ने, दुनिया में जहाँ भी ग्लोबली हमारी फिल्म को पसंद किया, इवन चाइना में 300 करोड़ किया था हमारे इस फिल्म ने। और आपके आइडियल के साथ आपको काम करने के लिए मिल जाए, क्या वो फीलिंग समझ गए आप? मैं वो क्लिप देख रही थी नीतू सिंह और ऋषि कपूर का, उसमें वो कह रहे थे कि यू शुड हैव बीन इन द सीक्वल, तो मेरे यू नो आई मिस्ड यू इन द सीक्वल। आप ये सोचिए, नीतू जी जिनकी दुनिया फैन है वो मेरे ड्रामा देखती है, That is so beautiful, यार। छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी चीजें आपको खुश कर देती हैं। टैलेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं है, प्यार तो हर जगह भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, एक्सेप्ट करने की बात है बस, एक्सेप्टेंस जब आ जिंदगी आसान हो जाएगी। एक्चुअली जो तुमने अभी अर्लियर कहा ना कि वो खौफ एक है ना, उससे अगर हम आजाद हो जाएंगे ना, से नहीं आजाद, ये दुनिया एक बहुत खूबसूरत जी जिया जी, हमें किसी और का डर नहीं है, इंसान को इंसान से ही डर लग रहा है, हम सब एक से डरे हुए हैं, इतना सोचते हैं, कुछ भी करने से पहले हम ये सोचते हैं कि लोगों को कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। वी आर नॉट काइंड टू आवर सेल्फ, खुद के साथ काइंड होना बहुत जरूरी है, जब आप खुद के साथ नहीं है तो फिर आप किसी और के साथ कैसे हो सकते हैं? और अगर आप हौसला रहेंगे तो आप अपने साथ काइंड नहीं हो सकते। और पूरी दुनिया में मैं सोची थी कि जब आप किसी गार्डन में जाते हैं तो जहाँ फूल जब खिले होते हैं या दरख्त होते हैं, वहाँ दरख्तों पे चिड़िया चहचहा रही होती है, तो वो बेखौफ होती है। या अगर आप खौफ मार दे तो फूल कैसे उगेंगे, यू नो? ट्रू, कॉफी एग्री, आप करें, यू नो आपकी जो बेहतरीन फैकल्टी है वो बाहर जाहिर ही तब होगी
जब आप बेखौफ होंगे, और जब तक आप लोगों को खौफ में मुब्तला करेंगे तो लोगों को डिवाइड करते रहेंगे। तो ये वाली ऐसा ही है जी, है ना, तो ये वाली पॉलिटिक्स तो नहीं चल सकती ज्यादा देर, नहीं चल सकती। और मैंने I'm feeling so good जी, हाँ मैं निकल आई इन चीजों से बाहर। अच्छा, I don't think of, you know, like I'm not scared of anyone and anything. मुझे नहीं होता कि मैं ऐसा करूंगी तो इसका रिएक्शन क्या आएगा, लोग क्या कहेंगे, अब क्या हो जाएगा, वो सब छोड़ दिया मैंने। साल दो साल पहले मैं पीछे छोड़ा ही वो सब, वो बलि सभा ही पीछे छोड़ा ही। सुकून में हो, पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किस तरह अचीव किया? क्या कोई मेडिटेशन की, किसी गुरु से मिली, कोई बाबा जी? जिंदगी यार, जिंदगी से बड़ा गुरु नहीं है, और जिंदगी में इतने लोग आपसे मिलते हैं रोज, आपके साथ जिस तरह का इंटरेक्शन आपका लोगों के साथ रहता है, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा के चला जाता है। ये तो आप पे ना, आपने क्या सीखा है कि बिना सीखे आज सो गए? मैं तो चीजें लिखती हूँ रोज, आज मैंने क्या सीखा, आज मैं कहाँ गलत थी, मैं किन चीजों पर काम कर सकती हूँ। आई वर्क ऑन इट, आई वर्क ऑन माई मिस्टेक्स। नोबडी इज परफेक्ट, यू नो, I'm not perfect, but I'm okay with my imperfections. लेकिन जो चीजें हम ठीक कर सकते हैं, उनको क्यों ना ठीक करें। तो इंसानों की कदर तो अब हुई है। कितने grudges लेके हम दिल में बैठे हैं, कितनी नफरतें हैं हमारे दिलों में, और आज एक दूसरे को देखने को तरस रहे हैं, मिलने को तरस रहे हैं। बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो एक इंसान की बहुत कदर, एक इंसान मीन्स के इंसान की कदर, इंसान की जात की। जिंदगी में सब कुछ है ना, और आप वो चीजें शेयर करने के लिए आपके साथ कोई नहीं है, तो फिर जिंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मायने ही नहीं है। पता है वो जिस फियर की बात कर रहे थे ना, हमें वो फियर है कि हम अपनी मे बी फीलिंग्स भी किसी से शेयर नहीं कर सकते। वी आर स्केर्ड ऑफ, यू नो, एवरीथिंग, स्केर्ड ऑफ शेयरिंग थिंग्स विद अदर्स। हमें डर लगता है कि ओहो, अगर हम दिल की बात किसी को बता देंगे तो पता नहीं क्या रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होगा बस बता दो इससे पहले कि देर हो जाए। और जो छोटी बात करता है वो छोटा इंसान है, तो छोटे इंसान की बात को तो दिल पे लेना ही नहीं है। जिसको सेंस ही नहीं है वो तो बेचारे लोग हैं, उनपे तो मुझे तरस आता है। उनको तो सीखने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है, नहीं? सोशल मीडिया से क्यों घबराना, लोगों से क्यों घबराना? वो डर घबराना सब निकल गया लाइफ से। और ये जब आप डर डर के चलते हैं तो फिर वो जो बात है ना कि स्पॉन्टेनियस, इरफान खान कह रहे थे ना कि वो स्पॉन्टेनिटी को मत जाने दो, क्योंकि उसी में क्रिएटिविटी है। जब आप बेखौफ होके कुछ करते हैं, कोई भी जिंदगी का एक्शन हो या बेखौफ होकर करते हो, तो वो, और उसमें खूबसूरती भी है जब आप जिंदगी को बिना सोचे समझे चीजें प्लान नहीं करते। लाइक जैसे प्यार है, जैसे शादी है, उसके अंदर प्लानिंग नहीं होती कि तुम करोगे तो मैं करूंगी, या आज इतने बजे ही ये काम होगा। मतलब आप जो भी करें अनकंडीशनल होना चाहिए, चाहे आपको दिया हुआ किसी का टाइम हो, चाहे वो दिया हुआ तोहफा हो या प्यार हो, उसकी रिटर्न में क्यों हमें हमेशा चाहिए होता है, हमें वापस क्यों चाहिए होता है, उतना ही क्यों चाहिए होता है? बस करते रहे, देते रहे। तुम्हारी जिंदगी में है कोई जिसे तुम बहुत चाहती हो? I love everyone, but no, I don't have in my life. Nobody. तो फिर तुमने कहा कि मुझे तो डर नहीं लगता, मैं बेखौफ हूँ, तो जब आप हाँ, बेखौफ हूँ, but I haven't found somebody I would want to spend the rest of my life with yet. आप अगर उस प्यार की बात करें, अभी तक नहीं है वो वाला प्यार। वैसे मैं सबसे प्यार करती हूँ। I love you. I love everyone. No, but किस तरह का शख्स ढूंढ रही हो? किस तरह का शख्स ढूंढ रही हो? किस तरह का साथी जो, you know, जिसके साथ तुम पूरी ज़िंदगी गुज़ारो? जिया, हाँ, जिया, मेरी ख्वाहिश बहुत मासूम सी और छोटी सी है। मुझे वो इंसान चाहिए जो अपनी जात से खुश हो, उसको किसी चीज का डर ना हो मेरी तरह, और प्यार, लव शुड बी अनकंडीशनल। उसके अंदर लेन देन वाली बात ना हो, चीजें फिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे
कन्वेंशनल रिलेशनशिप समझ नहीं आती कि लोगों ने सोचा हुआ है इस उम्र में शादी करनी है, इस उम्र में बच्चे हो जाने चाहिए, इतने में ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, क्या होता है? लोग जिंदगी को गुजार रहे हैं, मुझे गुजारनी नहीं है, मुझे जीनी है, मुझे इस लम्हे में जीना है, इस पल में जीना है। मुझे नहीं है कि मैं किसी इंसान से शादी कर लूं और मैं सारी जिंदगी गालियां खाती रहूं, पिटती रहूं, मरती रहूं, और जैसी लाइफ जैसी मेरी माँ ने गुजारी है। मैं मुझे आई हैव अ फियर बाय, मुझे उस रिलेशनशिप से डर लगता है जिसमें लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं। मुझे नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप, मुझे सॉर्टेड इंसान चाहिए। लोग ना बात नहीं करते जिया, लड़ते हैं, हेल्दी कॉन्वर्सेशंस नहीं होती कपल्स के अंदर, दे फाइट, यू नो, हर वक्त लड़ाई हो रही है। मुझे नहीं समझ आती कि ठीक है कभी कभी लड़ना समझ भी आता है, बट डिसरिस्पेक्ट करना रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप के डिफरेंस